हेलो गाइस, माय नेम इज़ गौरांग घोष और आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू यूट्यूब चैनल गौरांग घोष पर। तो आज का इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों से बताने वाला हूँ ऐसा एक वेबसाइट के बारे में जिसके बारे में बहुत लोगों को मालूम नहीं है। तो क्या नाम है इस वेबसाइट का और क्या काम में आने वाला है हमारा, तो इस सभी डिटेल्स को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और इस चैनल पर मैं इंस्टाग्राम और फोटोग्राफी रिलेटेड सारी वीडियो अपलोड करता रहूँगा, तो ऐसे टाइप्स का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और सब्सक्राइब करके इस बेल आइकॉन को क्लिक कर देना जरूर। तो चलिए शुरू करते आज का पहला वीडियो। तो इस वेबसाइट का नाम है नेचर इन फोकस और ये सिर्फ वेबसाइट ही नहीं, एक बहुत अच्छा फोटोग्राफी का प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर आप अपना खुद का फेवरेट वाइल्ड लाइफ और नेचर रिलेटेड फ़ोटोज़ को अपलोड भी कर सकते हो। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बोल सकते हो। और यहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा एडमिन है जो आपका फ़ोटोज़ को सिलेक्ट भी करता है, पीक ऑफ द डे, पीक ऑफ द वीक, पीक ऑफ द मंथ, पीक ऑफ द ईयर के लिए। और सिलेक्टेड फ़ोटोज़ को नेचर इन फोकस अपना खुद का ऑफिशियल अकाउंट्स और पेज पर भी पोस्ट करता है। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा अच्छा अचीवमेंट्स भी मिलने वाला है। ये है नेचर इन फोकस का इंस्टाग्राम अकाउंट और ये है नेचर इन फोकस का फेसबुक पेज। यहाँ पर नेचर इन फोकस अपना खुद का सिलेक्टेड फ़ोटोज़ को पोस्ट करता है और तो आपका अपना खुद का अकाउंट भी प्रमोशन होने वाला है यहाँ पर। और सिर्फ यही नहीं, नेचर इन फोकस उस फोटोज़ को कैटेगरी वाइज भी सिलेक्टेड करता है जिसको नेचर इन फोकस अलग से अपना वेबसाइट पर दिखाता है। और यहाँ पर फोटो कॉन्टेस्ट भी होता है जिसमें आपको बहुत अच्छा अच्छा प्राइज भी मिल सकता है। तो आज मैं आपको इस वेबसाइट को ओपन करके दिखाऊंगा कैसा है ये वेबसाइट और आप लोग कैसे इस पर अपलोड कर सकते हो अपना फ़ोटोज़ को। तो मैं मेरा डेस्कटॉप से दिखाने वाला हूँ, आप चाहे तो मोबाइल से भी कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर अच्छे से दिखाने के लिए डेस्कटॉप से दिखाने वाला हूँ, तो चलिए चलते डेस्कटॉप पर। हाँ गाइस, तो मैं मेरा डेस्कटॉप पर स्क्रीन पर आ गया हूँ, तो आप मुझे जाना पड़ेगा गूगल क्रोम पर। ओ, आपका डेस्कटॉप पर जैसा ही ब्राउज़र हो उससे भी गूगल को ओपन कर सकते हो। तो मुझे गूगल पर सर्च करना पड़ेगा नेचर इन फोकस HIV हाइप। तो इसको टाइप करके सर्च करना पड़ेगा HIV हाइप। तो सर्च करने के बाद पहला वाला जो वेबसाइट आएगा उसको आपको ओपन करना पड़ेगा। तो मैंने ओपन कर लिया है, तो ऐसा एक वेबसाइट ओपन होगा। वेबसाइट ओपन हो गया है। पीक ऑफ द वीक आप देख पा रहे हो, ये एक फ़ोटो सिलेक्ट हुआ है पीक ऑफ द वीक के लिए, आउटस्टैंडिंग फ़ोटो है। पॉपुलर फ़ोटोज़, ये है पॉपुलर फ़ोटोज़, देख सकते हो सब आउटस्टैंडिंग फ़ोटोज़ हैं। फैंटास्टिक, वाव, अमेजिंग। तो आपको एडिटर पिक्स यहाँ पर आप देख सकते हो, एडिटर पिक्स है, एडिटर ने सिलेक्ट किया है। आउटस्टैंडिंग मूवमेंट, ओह कैसा मूवमेंट है, अमेजिंग। तो इस वेबसाइट को ओपन करके मन ही भर जाता है देखकर। तो आपको क्या करने पड़ेगा, आपको जाने पड़ेगा ऊपर पे जो इस जो लॉगिन वाला ऑप्शन है यहाँ पर। मेरा तो अकाउंट है तो मैं लॉगिन कर लूँगा, आपका अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप करना। तो यहाँ पर मैं लॉगिन कर रहा हूँ। हाँ, मैंने लॉगिन कर लिया है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने लॉगिन कर लिया है। आप जाना पड़ेगा मेरे अकाउंट पर, अकाउंट पर माय हाइप। तो ओपन हो गया है मेरा अकाउंट, मैंने पहले कुछ पोस्ट के अपलोड किया था यहाँ पर, देख सकते हो उस फोटोज़ को। तो अब मैं अपलोड करूँगा मेरा न्यू फ़ोटो। तो इस ऑप्शन पर जाने पड़ेगा यहाँ पर अपलोड फ़ोटो से, नीचे लिखा है मैक्सिमम 2 MB।
2 MB मैक्सिमम होना चाहिए, उसके ज़्यादा नहीं होएगा, अपलोड नहीं होगा। तो इस फोटो को सिलेक्ट कर लिया है मैंने, तो इसके बाद अपलोड कर दिया है, अपलोड हो रहा है प्रोसेस। तो मेरा फोटो अपलोड भी हो गया है। तो यहाँ पर टाइटल देना पड़ेगा, मैं टाइटल दे रहा हूँ द किलर, टाइटल दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन पर आपको फोटोज़ को बारे में, जो फोटो आप अपलोड किया है उसके बारे में कुछ लिखना पड़ेगा। मैंने लिख रहा हूँ एक ग्रीन लाइन स्पाइडर कील डे वी, जो यहाँ पर मूवमेंट है वो मैंने लिख दिया है। तो उसके बाद मैं लिख रहा हूँ शॉट ऑन मोबाइल कैमरा और एंटीज ए मैक्रो लेंस। मैंने मोबाइल से खींचा था फोटो को एक मैक्रो लेंस यूज़ करके, तो मैं लिख रहा हूँ यूज ए मैक्रो लेंस। तो आपको जाना पड़ेगा कैटेगरी पे, कैटेगरी पे मेरा तो मैक्रो है, मैं मैक्रो सिलेक्ट करूँगा। आपका वाइल्ड है तो वाइल्ड सिलेक्ट करना, ट्रैवल है तो ट्रैवल, रेप्टिलियस, बार्ड, एक्वाटिक जो भी है उसको सिलेक्ट करना। तो यहाँ पर टैग देना पड़ेगा, टैग क्या है, आपका फोटो जो भी रिलेटेड है वो लिखना पड़ेगा। मेरा फोटो मैक्रो सब्जेक्ट है, मैक्रो लिख दिया, स्पाइडर है स्पाइडर लिख दिया, किलर है किलर लिख दिया, किलिंग मूवमेंट है किलिंग भी लिख दिया। तो उसके बाद आपको लोकेशन टैग क्या है, इंडिया है, तो ऑल राइट रिजर्व पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। पब्लिश्ड फोटो कर दिया है मैंने, पब्लिश्ड हो रहा है, फुल पब्लिशिंग हो रहा है। तो हो गया है मेरा पब्लिश्ड, ए न्यू पेज ओपन हो गया है। तो इसके बाद मैं जाकर देखूंगा मेरे अकाउंट पर अपलोड हुआ है क्या नहीं। और मेरा फोटो देख सकते हो अपलोड हो गया है, मेरा फोटो ओपन करूंगा तो वह अपलोड हो गया है, देख सकते हो। द किलर भी टाइटल शो कर रहा है, ऐसे टाइप का और पिक्चर आ गया है। तो आप लोग ऐसे ही आपका फ़ोटो को अपलोड कर सकते हो इस वेबसाइट पर, जैसे मैंने किया है। तो गाइस आज का वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म होता है, तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो पर। तो इस वीडियो को आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छा लगे तो लाइक करना, और इस टाइप का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो पर।